नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशुलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दिए। सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश भर में मनाया जा रहा संविधान दिवस। संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्कू शिरकत करेंगे, 10:30 बजे चौड़ा मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू अम्बेडकर की मूर्ति पर अर्पित करेंगे पुष्प। तो संविधान की शपथ दिलाएंगे सीएम सुक्कू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश भर में मनाया जा रहा संविधान दिवस, ये बड़ी जानकारी आ रही है। चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू करेंगे शिरकत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 10:30 बजे चौड़ा मैदान पहुंचेंगे सीएम, अंबेडकर की मूर्ति पर अर्पित करेंगे पुष्प। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रॉबिन शर्मा, संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, आज प्रदेश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान ने अपना जो संविधान है जिसके तहत आज पूरे देश का जो जितना भी संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो बनाया, आज ही के दिन अपनाया था। और ऐसे में पूरे देश भर में जो है संविधान को दिवस को लेकर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भी कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू खुद शिरकत करेंगे और उनके साथ तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी उपस्थित रह सकते हैं। चौड़ा मैदान में करीब 10 बजे ये कार्यक्रम, 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और चौड़ा मैदान में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भी है जहाँ पर कांग्रेस के नेता, सभी बड़े नेता यहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उनकी प्रतिमा पर। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में भी जो है संविधान दिवस पर कांग्रेस की तरफ से वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। जी रॉबिन, इस कार्यक्रम में और कौन कौन मौजूद रहेगा मुख्यमंत्री के साथ? देखिए फिलहाल जानकारी के मुताबिक इसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के भी कुछ सदस्य रह सकते हैं। अब हालांकि सभी सदस्यों के रहने पर अभी भी संशय है, लेकिन इनमें से कुछ मंत्री, शिक्षा मंत्री या कृषि मंत्री उनके साथ यहां पर मौजूद हो सकते हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 10:30 से 11 बजे के बीच जो मुख्यमंत्री है वो चौड़ा मैदान पहुंचेंगे और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई, कितने बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा? अगर देखा जाए तो संविधान दिवस है, ऐसे में इसको लेकर पहले भी सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से बताया गया था कि मुख्यमंत्री खासतौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत होने करने वाले हैं। ऐसे में चौड़ा मैदान, क्योंकि वहां पर संविधान निर्माता, अगर संविधान का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को दिया जाता है तो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही जो आज का संविधान है, संविधान का जो मूल रूप है वो बनकर तैयार हुआ था। ऐसे में प्रदेश सरकार उनके सम्मान के लेकर वहां पर कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है और तमाम जितने भी राजकीय कार्यक्रम के जितने भी पहलू हैं उन सबको देखते हुए वहां पर तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी। ऐसे में आज वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें अंबेडकर की मूर्ति पर भी पुष्प अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ दिलाएंगे सीएम सुक्कू। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और बात हिमाचल की करें तो यहाँ पर भी कई कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू शिरकत करेंगे चौड़ा मैदान में। आपको बता दें 10:30 बजे चौड़ा मैदान पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री, जहाँ पर विशेष तौर पर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करेंगे, संविधान की शपथ दिलाएंगे सीएम सुक्कू। ये बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है जिसको लेकर चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू शिरकत करेंगे, 10:30 बजे चौड़ा मैदान पहुंचेंगे सीएम। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि देश भर में संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी चौड़ा मैदान में संविधान दिवस बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मनाया जा रहा है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू समेत मंत्री और नगर निगम के महापौर पार्षद भी शिरकत कर रहे हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाएंगे। देखिए कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे पहली बार संविधान दिवस में कोई मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो शिरकत कर रहे हैं। 1949 में 26 नवंबर के दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और 26 नवंबर को यानी कि कल 74 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे हो जाएंगे। खूबसूरती की कल के दिन की विशेष रूप से ये है कि कल हम 75वें वर्ष में माने कि प्लैटिनम ईयर में हम प्रवेश कर जाएंगे और आने वाला जो पूरा साल है वो संविधान के मानने वालों के लिए एक उत्सव की तरह रहेगा और वो लोग जो संविधान को मानते हैं वो लोग जो है पूरे साल इसको उत्सव की तरह बनाएंगे। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम पुनर्वास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आपदा प्रभावितों को देंगे राहत राशि, ये बड़ी और अहम जानकारी। 4,500 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है, 3 लाख की पहली किश्त करेंगे ट्रांसफर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू, तो सीएम पुनर्वास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ये बड़ी और अहम खबर। आपदा प्रभावितों को राहत राशि जो है वो वितरित करेंगे, 4,500 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की जाएगी, 3 लाख की पहले किश्त ट्रांसफर करेंगे। तो हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुनर्वास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आपदा प्रभावितों को राहत राशि देंगे, ये बड़ी खबर। 4,500 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा, 3 लाख की पहली किश्त करेंगे ट्रांसफर, बड़ी खबर। हमीरपुर का दौरा सीएम सुक्खू का बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है, सीएम पुनर्वास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, का आज जो हमीरपुर दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे। करीब 12-12:30 बजे के आसपास जो है हमीरपुर पहुंचेंगे और हमीरपुर के गांधी चौक पर जो है जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर तैयारियां जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कर ली गई हैं और जो लोग जिनका जो घर आपदा में बह गया है, जो बेघर हो गए हैं, उनको भी राहत राशि जो है वो वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जो है आज हमीरपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान जो आपदा से प्रभावित हमीरपुर जिला में करीब 1800 के आसपास जो है लोग जो है आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनके जो घर टीनों के टूट चुके हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं, इन सभी लोगों को जो है कुल संख्या जो है 1800 के करीब है और इन लोगों को जो है मुख्यमंत्री जो है राहत राशि जो आज प्रदान करेंगे। जी, और जो प्रशासन द्वारा तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ेंगे। हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में आई त्रासदी से प्रभावित हुए परिवारों के लिए विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके तहत आपको बता दें किन्नौर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा प्रति व्यक्ति 3 लाख रूपये का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ही कम है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ताकि जो एक आम आदमी है उसको इस मुसीबत से कैसे उबारा जाए, उसके लिए एक नए पैकेज इस रास्ते के लिए जारी किया है और उसके लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया और जो मकान डैमेज हुए हैं उसके लिए जो है 1,30,000 के बजाय टोटल जो है इस 1,30,000 को मिलाकर 7 लाख रुपए देने की जो है स्कीम बनाई और पॉलिसी बनाकर इसको जारी करना भी शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से माननीय मुख्यमंत्री ने इस पैकेज की शुरुआत की
उसके बाद मंडी, उसके बाद बिलासपुर और आज मैंने जो है किन्नौर में इसकी शुरुआत की। उधर आपको बता दें कि गुरु नानक देव महाराज का 554वां प्रकाश पर्व सोलन में आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई और गुरुद्वारों में अरदास के बाद लंगर वितरित किया गया। भव्य नगर कीर्तन का शहर में हर्षोल्लास के साथ लोगों ने स्वागत किया। से पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक दरबार सर्कुलर रोड सोलन से 554वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है जी, जिसकी हमें बहुत खुशी है जी। बहुत हर्षोल्लास के साथ सारी संगत ने, पूरे सोलन की संगत ने रल मिल के सबकी सहयोग से हम गुरु का लंगर कर रहे हैं जी। आज नगर कीर्तन अंदर बाजार से गुरु नानक अपना गुरुद्वारे से चल के ये सर्कुलर रोड होते हुए पूरा बाजार का भ्रमण करते हुए यहाँ से निकलेगा जी। आज नगर कीर्तन का स्वागत किया जाएगा और उसके साथ साथ हम यहाँ पे लंगर व चाय के प्रसाद का व और सभी जो संगत का तिलफुल जुड़ के सब की तरफ से वो लंगर का आज आयोजन किया जा रहा है। उधर आपको बता दें कि नान में अंतर्राष्ट्रीय श्री अरेणुका जी मेले के दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में कवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य मकसद साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी ने बताया कि दरअसल इस बहुभाषी सम्मेलन में करीब 40 कवि हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अपनी कविताएं सुना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आज यहाँ पर चौथा दिवस है। तो आज कवियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा आज यहाँ पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जिला सिरमौर के लगभग 30 से 40 साहित्यकारों ने भाग लिया है और ये एक बहुभाषी कवि सम्मेलन है। इसमें पहाड़ी भाषा को मतलब विकसित करने के लिए भी पहाड़ी कवि सम्मेलन भी है और उसके साथ साथ बहुभाषी कवि सम्मेलन है। यहाँ पर हमारे इस आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रेमपाल आल्या जी प्रसिद्ध साहित्यकार व गीतकार कवि हैं। उधर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में दरअसल जाम लगना आम सी बात हो गई है। बीबीएन की सड़कों पर गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं। सड़कें छोटी हैं और वाहनों की आवाजाही रोजाना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों और उद्योगपतियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग अपने कामों से जाम के कारण घंटों देरी से पहुंचते हैं और इस जाम के कारण आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना से तो या तो कईयों के घरों के चिराग भी बुझा दिए हैं, जिसके चलते लोग सरकार से सड़कों को चौड़ा करने की कई सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग इनकी समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। जो बीबीएन में रोडों की खस्ता हालत बरसात के कारण भारी हुई है, उसके कारण जो बाढ़ नदी का टूटा है जी पुल, उसके बाद सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है जी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो जाम है इससे निजात दिलाई जाए। सैकड़ों लोग परेशान है जी, यहाँ जाम लगा हुआ है। जाम के कारण जो दिक्कत आ रही है, आम लोग परेशान है जी, एम्बुलेंस में फंसे रहते हैं लोग जी। हमारे पीजीआई पास में है जी, कई मरीज तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं जी यहाँ पे। हम सरकार से प्रशासन से मांग करते हैं भी इस रोड का काम जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। उधर बद्दी में दिल्ली एफडीआरडी के नाम पर दरअसल लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां पर फ्रॉड करने के बाद सर्ष निधि समिति नामक कंपनी ही फरार हो गई। वहीं पीड़ितों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा यह है कि मामले में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। ये दिनांक 1/11/2023 को बलजिंदर कुमार के माध्यम से, बलजिंदर सिंह के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई थी थाने पर, जिसमें आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक शहर समिति योजना के अंतर्गत जो लोगों ने निवेश किया था और निवेश के तहत उन्होंने आरडी और अन्य में खातों में पैसे जमा करवाए थे,
उनका आरोप ये था कि उनका जो समय से उनका पैसे का भुगतान ना किया गया और जिसमें ये निजी योजना था वो रन कर रहे थे वो यहाँ से भाग गए थे। तो इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत कल दिनांक 24/11/23 को अतुल कुमार सनो सुखदेव जो निवासी खरड़ का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं हमीरपुर के रंगस बीट में तीन लोग खैर के पेड़ों को काट रहे थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खैर के कटे पेड़ों को कब्जे में लिया। वहीं आरोपियों से 1,28,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। परसों रात को हमें हमारे स्टाफ को सूचना मिली थी और रात को गश्त के दौरान ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटे हैं। तो कुल 4 पेड़ काटे गए थे और उसमें से क्लास 3 के 2 थे, 4th का 1 था और 5th का 1 था और जिसकी टोटल कंपनसेशन वैल्यू 1,28,000 के आसपास थी। और तो उसमें एक आदमी को भी हमने पकड़ा था और साथ में जो गाड़ी इन्वॉल्व थी उसको भी पकड़ा था और साथ में लगभग 17 नग थे, खैरों के मोचे थे जिनको हमने वहाँ से पकड़ा था। तो ये जो फाइन है ये शायद उन्होंने रियलाइज कर लिया है उनसे और बाकी पुलिस कंप्लेंट इसकी होगी। और उधर हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा नीति को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चंबा के कई स्कूल्स ऐसे हैं जो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है तो वहीं कई स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है, जिससे कि ये साफ नजर आ रहा है कि क्षेत्र में शिक्षा के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तो प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में एक स्कूल आता है जो ग्राम पंचायत करेरी के राज्य की प्राथमिक पाठशाला चन्हान है, जहाँ पर जो है पिछले एक साल से जो है एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। जिस स्कूल में बच्चों की लगभग संख्या जो है 125 से 130 के करीब है और वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश करते हैं कि उस स्कूल में जो है 1-2 अध्यापक और भेजे जाएँ और बच्चों को स्कूल में खेलने के लिए ग्राउंड बनाया जाए। वहीं सोलन महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय वुशु प्रतियोगिता का समापन हुआ। 2 दिवसीय चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 लड़कों और 11 लड़कियों की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दरअसल अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। वहीं पुरुष वर्ग से 11 खिलाड़ियों और महिला वर्ग से 8 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, जिन्हें इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। इस चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं और अभी जो आपके सामने जो चैंपियनशिप संपन्न हुई इसमें ये 2 दिवसीय चैंपियनशिप थी, HPU इंटर कॉलेज मेन एंड वुमेन वुशु चैंपियनशिप। इसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय से लगभग मेन सेक्शन में 18 टीमें और वुमेन सेक्शन में 11 टीमों ने भाग लिया। जो स्टूडेंट की इसमें पार्टिसिपेशन थी, पुरुष वर्ग में लगभग 110 खिलाड़ी और महिला वर्ग में लगभग 50 महिला खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और आज इस चैंपियनशिप का समापन समारोह है। और इस चैंपियनशिप के समापन समारोह के जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं वो DC सोलन श्री मनमोहन शर्मा जी रहेंगे। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।